हमन का का कहले अगर मरे के नराइल बन जा चले सरकारी विद्यालय उदले ठीक बा। हां ठीक है भाई। नल जल के योजना के कहलो पानी मिले ला नल से ना कहां पानी मिला था नहीं मिला तो मुखिया जी से कहने कि नल के जल चाहिए हमरा। अरे हमार बात के सुनता जी नहीं सुनत ना विधायक जी से क्या विधायक जी आएंगे तो हम वोट नहीं देंगे साफा जूता मारेंगे। वोट नहीं मिलेगा इस बार नहीं मिलेगा। कहां के रहने वाले हैं आप? यहीं पनेला के रहने वाले हैं। कहीं रहने वाले जी। और आपका दूध भी गिर जाता है? गिर जाता है। तब हम साल भर काम यही है प्रतिदिन बेचते हैं टेवना भर खाल है हाथ हो जाता है गाड़ी लेकर के गिर जाते हैं दूध गिर जाला दूध गिर जाता है कभी चोट लग जाता है कभी कुछ हो जाता है। सारा लोग वोट खाती नाता है कि वोट दो हमको। कितना उम्र हो चुका है आपका? दोबारा देखिए कितना उम्र भूल बा कितना हो चुका है ये बताइए। वो बोले थे कि इस गांव में हम रोड नहीं बनाएंगे तो हम नहीं आएंगे हम विधायक नहीं लड़ेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे और वोट नहीं मांगेंगे। उनको इस गांव का नाम लेने में शर्म आता है अगर लेंगे तो फंस जाएंगे क्योंकि ग्रामीण सब रामधन को वोट दे दे हम सारा इलाका बना देलन। अच्छा अच्छा सारा इलाका करहगर हो दिनारा हो भानपुर आई जा वालन चाह पिए। अच्छा अच्छा जल्दी आज सब महत्व लोग वोट दे जा हम दिली। अच्छा बाकी आज तक उना हाथ ना छोड़ दिल किए थे तो ऐसे विकास का अपना डंका बजाने वाले जो वशिष्ठ नारायण सिंह थे तो हो सकता है कि जातीय राजनीति भी हो यहाँ पर क्योंकि इस पांच गांव में उनके जाति के लोग नहीं रहते हैं। नमस्कार न्यूज़ सुपर सेवन देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। मैं अभी मौजूद हूं करघर प्रखंड के सिंदुआर पंचायत में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये दिखाएं इस साइड में ये प्राथमिक विद्यालय पनैला है और मैं अभी इसी गांव में मौजूद हूं। कैमरामैन से चाहूंगा कि वो ये रास्ता दिखाएं। ये रास्ता जो आता है इस गांव में आता है लेकिन लोगों का कहना था कि ये वर्षों से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक हों सांसद हो या कोई और प्रतिनिधि हो। गाँव वाले खुद के पैसे लगा करके इस गांव में आने जाने का जो साधन है लोग मिट्टी डलवाएं या फिर जिस तरीके से भी आने जाने का जो व्यवस्था हो सके इन्होंने किया है मिलजुल के। आइए हम लोग कुछ गांव वालों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तविकता क्या है आखिरकार क्यों अभी तक यहां पे सड़क नहीं बन पाया। जैसा कि हमारे बिहार के जो प्रतिनिधि हैं नीतीश कुमार जी उनका कहना है कि मैंने गांव-गांव तक रोड का एक जाल जैसा बिछा दिया तो क्या उस रोड में जो रोड रूपी जाल बिछाया गया था तो फिर ये गाँव उससे अछूता कैसे रह गया। क्या नाम है बाबा आपका? प्रहलाद ओझा। तो ये बताइए कि ये जो रास्ता है जैसा कि हम लोग भी अभी आ रहे थे तो देखे कि उस रास्ते से भी वही स्थिति थी और आगे वैसा ही देखने को मिला। क्या कारण रहा है कि रोड अभी तक नहीं बन पाया? कोई भी प्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाता है तो वादा करता है कि हम अगला चुनाव आने से पहले हम रोड बना देंगे आप लोगों का लेकिन फिर इधर घूमने भी नहीं आते हैं। रोड तो बनाना बड़ी बात हो गई। हर जगह रोड बन गया हम लोगों के गांव में अब तक नहीं बन पाया है। अपने से मिट्टी डाल के बालू डाल के हम लोग ईंटा पत्थर डाल के किसी तरह हवा गमन का साधन बनाते हैं। हर साल टूट जा रहा है बह जा रहा है। रोड के बिना हम लोगों के यहाँ के महिलाएं और रोगी कहीं दवा कराने में परेशानी हो रही है आने जाने में दिक्कत हो रहा है। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार लाख दावा करे लेकिन हम लोग इससे वंचित हैं। हम लोगों को कुछ इससे लाभ नहीं मिल रहा है। अभी आपने सुना कि इन्होंने बताया कि आखिरकार कारण क्या रहा था क्यों नहीं बन पाया। हम और लोगों से भी बातें करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है पूरी सच्चाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरा मैन चाहूँगा कि एक बार फिर इस पूरे माहौल को दिखाएं। ये गाँव का जो एक खुशबू है जो गाँव की मिट्टी है वो देखने को मिलता है। ये नीम का पेड़ और नीम के पेड़ के नीचे ये हमारे पूरे ग्रामीण इस गांव के जो सभी लोग हैं यहां पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं यहीं आकर के और सुकून प्राप्त होता है शांति मिलती है क्योंकि कहा गया है कि यदि पूरे भारत को जानना है तो आप गांव में घूमिए गांव को देखिए और तब आप जान जाएंगे कि हाँ वास्तविकता क्या है और हमारा पूरे भारत का संस्कृति और जो कल्चर है वो क्या है।
आइए हम लोग और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम अशीष सिंह। ये बताइए कि जो आपके गांव में एक समस्या बताया गया है कि रोड का समस्या है, तो यहाँ पे आखिरकार क्यों अभी तक रोड नहीं बन पाया है? अरे तो रोड के तो देखते बनी कि बनत रहे तनी मनी तब मारा मारी झंझट कर दलन जाओ वही घर रोड ही रुकल बा। अच्छा अच्छा है झंझट का मतलब क्या इस रोड से लोगों को आना जाना नहीं है या फिर क्या कारण रहा? अब क्या आना जाना बा नहीं खे वही घर सबका तो आवागमन बढ़ ले वही रोड से। अभी आप इनको सुन रहे थे और लोगों से बात करेंगे, यहीं के निवासी हैं आप? जी ना। कहाँ के रहने वाले? सिंधुवार के। सिंधुवार में ये बताइए कि जो आप किराही तो जरूर होंगे इस रास्ते से आते जाते होंगे, कितना समस्या होता है? बहुत समस्या बा, जबकि रोडे नहीं खेप जन बात कच्ची बढ़ल बा पक्की होके रहे बीच से रुक गई, हम रास्ता चालू रही तो सब क्या फायदा बा इससे। देखिए कहीं ना कहीं जो ये गांव है और गांव में लोगों हैं, लोगों से बात करके ऐसा पता चलता है कि आखिरकार किन कारणों से अभी तक रोड नहीं बन पाया है, क्या कारण रहा है? पूरा कारण ये रहा है कि अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रतिनिधि का नज़र इस पर नहीं पहुँचा है और किसी भी जो अधिकारी हैं उसका यहाँ पर नज़र नहीं पहुँचा है, और अगर किसी का नज़र प्रतिनिधि का पहुँचता भी है तो शायद हो सकता है कि यहाँ जातीय राजनीति भी हो सकता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का बहुत से विकासशील विधायक कहे जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह थे और अपने विकास का डंका बजाते हैं चारों तरफ और ये कहते हैं कि हम ऐसा डंका के चोट पर कहते हैं कि मेरा कोई गांव नहीं है जहाँ हमारा विकास नहीं पहुँचा हुआ है, इसलिए पाँच गाँव उनके सामने जीता जागता सबूत है, उनके सामने एक बार आए और आकर देखे अपने नज़रों से। हाँ, कुछ दिन पहले ही वशिष्ठ सिंह जी से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने दम भरा था कि हाँ मैं अपने क्षेत्र में बहुत ही काम किया हूँ, एकमात्र गांव बता रहे थे कोचस प्रखंड में जिसमें गांव काम थोड़ा सा नहीं हो पाया, लेकिन आपके गांव का नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं लेंगे बिल्कुल, इसलिए लेकिन उनको शर्म आता है, वो बोले थे कि इस गांव में हम रोड नहीं बनाएंगे तो हम नहीं आएंगे, हम विधायक नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे और वोट नहीं मांगेंगे, उनको इस गांव का नाम लेने में शर्म आता है, अगर लेंगे तो फंस जाएंगे क्योंकि ग्रामीणों से वादा किए थे। तो ऐसे विकास का अपना डंका बजाने वाले जो वशिष्ठ नारायण सिंह थे तो हो सकता है कि जातीय राजनीति भी हो यहाँ पर, क्योंकि इस पाँच गाँव में उनके जाति के लोग नहीं रहते हैं और इनके पांच गांव का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और यह रोड का अगर देखा जाए तो चारों तरफ से कनेक्टेड है रोड, केवल इस पांच गांव का 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर का जो रोड है वही कनेक्ट सिर्फ नहीं है पक्की रोड से, ये पांच गांव के जो अंतर है, और यहाँ पर कोई भी मतलब सरकारी जो अधिकारी हैं उनका नज़र नहीं पहुँचता है और जनप्रतिनिधि है वो अपना मटर गश्ती करते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, और इनका कहना है जो जनप्रतिनिधि उनका कहना है कि इस रोड पर FIR है या कोर्ट में जो भी है यहाँ पर मामला चल रहा है इसलिए रोड को हम नहीं बना पा रहे हैं, किसी को टेंडर नहीं दे पा रहा है, तो उनके को हम अगर जायज भी मानते हैं तो मानते हैं, लेकिन ये जो गांव के से पूर्व जो रोड निकलता है ये रोड जाकर सिंधुवार गांव में मिल जाएगा, इस रोड को चाहे तो बना सकते थे, इस गांव से पश्चिम रोड निकलते हैं समहुता से जाकर घर घर में मिल जाएगा, और इस चारों तरफ एक किलोमीटर का केवल फसला है, अगर एक किलोमीटर इधर भी बना देंगे एक किलोमीटर इधर भी बना देंगे तो जाकर रोड से पक्की रोड से जुड़ जाएगा, तो उनका अगर बनाने का मन होता तो जाकर अगर इधर से जोड़ भी देते इधर से भी जोड़ देते, लेकिन उनका बनाने का मन नहीं है, वो टाल बोटाल कर रहे हैं, अपने किसी तरह जान छुड़ा रहे हैं। और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, देखिए कैमरामैन से चाहूँगा कि वहाँ पे जो वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बाबा बैठे हैं क्योंकि वास्तविकता वो जानते होंगे और उन्होंने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी और बहुत लोगों को देखा होगा, आइए हम लोग थोड़ा इनसे भी बात करें। क्या नाम है बाबा आपका? किशोर सिंह। कितना उम्र हो चुका है आपका? देखिए कितना उम्र भूल बा कितना हो चुका है ये बताइए? 70-75 वर्ष हो गया, और आपने बहुत लोगों को देखा होगा बाबा, चाहे वशिष्ठ सिंह जी की बात करें, अरे राम के भोट दे जी जी हम सारा इलाका बना देलन। अच्छा अच्छा सारा इलाका करहगर हो दिनारा हो भानपुर आई ऐजा वालन चाह पिए। अच्छा अच्छा जानली आज सब महत्व लोग भोट दिलन जा हमहू दिली। अच्छा बाकी आज तक उना हाथ ना छोड़ दिलन। काहे छोड़ दिलन? अब के देर काहे छोड़ दिलन? सारा इलाका बना दिलन। हाँ जब रामधनी सेना बनल जी जी तो कोई सेना बनी बाबू? रामधनी सेना बनल तो मंत्री रहन। अच्छा अच्छा जी वो खाली वाले लिखे करे तो काहे ना लिखलन? अब फिर काहे ना लिखलन? अब हम क्या करी? तो आप लोग कहनी जा कि हमने के चाही मान ली और वोट भी देते रही ओकरा बावजूद भी ना बनल मंत्री? अरे सरकार अब तो वोट दे देते रही जा आप रउआ मन बनाई चाहे मोर बनाए। तो अभी वर्तमान में राउर विधायक के बा?
अब तो बाबा जी बाण एगो मिश्र जी बाण ना हाँ तो वहाँ से कहानी है आप सब हाँ पहुँका पंडित जी बाण अच्छा कहले बाण हाँ आपको वोट डल बन जाए बाबा एक बात बताइए और जो इस गांव में जनसंख्या है एक समय ऐसा था कि माना जाता था कि करहगर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें सबसे शिक्षित गांव यदि है तो वो पनैला गांव को जाना जाता था वर्तमान स्थिति क्या है हमारा नहीं बुझा गांव में पहले और गांव जो पढ़ाई लिखाई के मामला रहे वो में बहुत अच्छा माना जाता है आपके करहगर विधानसभा में हाँ। लेकिन वर्तमान स्थिति का आज के समय में क्या माहौल बा ठीक है बा नौकरी हाँ नौकरी लगता हाँ। अब एक नया बात सुनने है कि सेना में 4 साल की नौकरी अब हो गई बा तो रोबरक सब लगाते हैं सरकारी आदमी सुन लिया कि हम तो गोल में देखे 4 साल में लेकर रिटायर हो जी हाँ कुछ धान किलो बन जा तो क्या कहे बारे में पहले 15 साल 17 साल होते रहे अब 4 साल में लोग घरे चले हमने का क्या कर ली हमने का क्या कर ली मरे के नाराज बन जा चल सरकारी विद्यालय उद्यालय ठीक बा हाँ ठीक है भाई नल जल की योजना के कहा लो पानी मिले ला नल से ना कहाँ पानी मिला था नहीं मिला तो मुखिया जी से कहा नहीं कि नल के जल चाहिए हमरा अरे हमार बात के सुनता जी नहीं सुनत ना लेकिन बाबा सरकार नीतीश कुमार कहलन कि नल जल सगरों मिलता आप बहुत बड़ा बढ़िया योजना भाई का कहो नल जल के कहाँ पानी मिलता पानी नहीं मिलत मुखिया जी जरा देखिए कोई बात उत कोई नहीं अब हमने के मुखिया बात करने जा ना ना हम ना जाए देखिए ये है हमारे गांव के जो वृद्ध व्यक्ति थे इन्होंने किस बेबाकी से इन्होंने बताया कि क्या कुछ है गांव की स्थिति और किन से इन्होंने इस रोड के बारे में तो अभी आप देख सकते हैं कि पीछे एक फॉर्चुनर गाड़ी है और वो गाड़ी इसी रोड के रास्ते कहीं अपने गंतव्य स्थान पे जा रही होगी और इसी बीच हमारा जो रिपोर्टिंग चल रहा था और ये लोग हमें दिखे और हम लोग बात करेंगे कि कितना आराम मिल रहा है इस लग्जरी गाड़ी में इस रोड पे क्या कहेंगे सर कितना आराम से आप उस रास्ते से होते हुए और जा पा रहे हैं इधर नहीं नहीं कोई आराम नहीं बिल्कुल रास्ता ख़राब है ये और इसमें सुधार होना चाहिए बहुत दिन से शायद ये ऐसे ही है कहाँ से आ रहे हैं आप मैं आ रहा हूँ ये बगल से बराहड़ी से और कहाँ तक जाना है आपको मुझे जाना है पिपरा पिपरा जाना है यस तो जो ये रोड है सर इतनी महंगी गाड़ी लेके और जब आप गांव में जाते हैं और अपने गांव में घूमने जाते हैं तो और गांव वालों का भी कहना था कि बड़ा ख़राब रास्ता है कितना ये अंदर से कैसा महसूस होता है फिर अंदर से बहुत ही मतलब ग्लानी महसूस होता है और अभी सुशासन का राज है लोग बोलते हैं कि रोड का विकास हो रहा है बिजली का हो रहा है हो तो रहा है लेकिन ये इसका नहीं अभी तक कुछ हो पाया पीछे भी बैठे हैं एक भाई साहब और देख रहे हैं कैमरे को कि सर आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं क्या नाम है सर आपका संजीव कुमार पटेल अच्छा ये बताइए संजीव जी कि इतने लग्जरियस गाड़ी में बैठे हैं और इस रोड के होते हुए रोड से आप जा रहे हैं कितना आराम महसूस हो रहा है आपको बहुत दिक्कत है और आप लोग भी आए होंगे तो आप लोगों को महसूस हुआ होगा और ये रोड बहुत पुराना है और ये लिंक रोड इस गांव के जितने अगल बगल गांव हैं ये ऐसा है कि बहुत बाईपास नज़दीक पड़ता है और हर गांव को जोड़ता है जोड़ने का काम करता है हम इधर बड़हरी के रहने वाले हैं बड़हरी के तो हाँ पास के ही हैं जी जी पास के ही हैं क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आपके जो विधायक हैं प्रतिनिधि रहे हैं पिछले बार भी उन जो भी लोग हैं अभी नहीं किए हैं अगर इसको जल्द से जल्द तत्काल करने का प्रयास करें और करेंगे तो ये बहुत इधर के लोगों के लिए बहुत आरामदायक और लाभदायक साबित होगा यह तो अभी आप सुन रहे थे वो राहगीर जो कि इस रास्ते से जा रहे थे और इन्होंने बताया कि कितना मुश्किल होता है चाहे वो आप एक बाइक से जाएं या फिर लग्जरियस गाड़ी से सवार होकर जाएं यदि रोड सही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं बन पाता है रास्ते से ये दूध व्यापारी हैं क्या नाम है आपका मेघनाथ सिंह नाम है ये बताइए कि आप प्रतिदिन इसी रास्ते से दूध बेचने जाते हैं प्रतिदिन बेचते हैं लेकिन टेवना भर खाल है हाथ हो जाता है गाड़ी लेकर के गिर जाते हैं दूध गिर जाता है कभी चोट लग जाता है कभी कुछ हो जाता है सारा लोग वोट खातिर आता है कि वोट दो हमको वोट मांगे लंजा लोग फिर भी बताइए अभी तक आपके रास्ता ना बना अभी रास्ता नहीं है अपने से जानता सब ग्रामीण है गिराया है इकड़ा उर बतलाइए तो विधायक जी से क्या कहेगा विधायक जी से क्या विधायक जी आएंगे तो हम वोटें नहीं देंगे सफा जूता मारेंगे वोट नहीं मिलेगा इस बार नहीं मिलेगा कहाँ के रहने वाले हैं आप यहीं पनैला के रहने वाले हैं पनैला के ही रहने वाले जी और आपका दूध भी गिर जाता है गिर जाता है तब हम साल भर काम यही है अच्छा
चाहे हाथ हो, चाहे पाक हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडा हो, चाहे बरसात हो, लेकिन कोई नहीं देखता है। वशिष्ठ सिंह जी तो कह रहे थे कि हम अपने क्षेत्र में पूरे विकास का एक धारा बना देंगे, हम बना देंगे, लेकिन नहीं बनाए, इसीलिए हम लोग उसको हराए। अच्छा, उसको हरा दिया? हाँ, हरा दिया हम लोग। अच्छा, देखिए इस गांव में आप किसी से भी बात कर लें, सब में एक अलग सा जुनून है, अलग सी जो एक चाहत है अपने, चाहे वो देशभक्ति की बात करें, शिक्षा की बात करें, या गांव में एकजुटता समरसता की बात करें, तो यही है गांव की सच्चाई। अगली कड़ी में हम लोग फिर किसी और गाँव के माहौल, किसी और गाँव के हालात को लेकर के आपके सामने रहेंगे। न्यूज़ सुपर 7 देखते रहिए, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।